नमस्कार। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किसी को अपने घर से बाहर नहीं निकलना, पर गरीब लोग काफी तकलीफ में हैं, खासकर जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सरकार की तरफ से हम कई कदम उठा रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे। 71 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, 8 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 5,000 रुपए पेंशन दे दी है। इसके अलावा हर कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5,000 रुपए देने जा रहे हैं। कई जगह गरीबों के खाने का इंतजाम किया है, लेकिन अब आपका साथ चाहिए। आप अपनी गली या कॉलोनी की जिम्मेदारी लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपकी कॉलोनी में कोई भूखा नहीं रहेगा। कोरोना की वजह से अगर आपके घर में, आपके दफ्तर में कोई काम पे नहीं आ पाता तो उसकी तनख्वाह मत काटना, हो सके तो थोड़ा सा एडवांस दे देना। और अगर आप मकान मालिक हैं और आपके किराएदारों के पास पैसे देने में दिक्कत हो रही है तो 1-2 महीने की छूट दे देना, ताकि वो बाद में किस्तों में आपका किराया दे सकें। ये पुण्य का काम है और यही सच्ची देशभक्ति है। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। जय हिंद। पास 30 कमरे हमें दिए गए हैं यहाँ पे, और 30 कमरों के हिसाब से डिस्टेंस रखते हुए हर एक कमरे में 5-5 बेडिंग या मैक्सिमम 2-6 बेडिंग तक हमने अरेंज किया हुआ है, और एक्स्ट्रा बेडिंग भी हमारे पास है। इन केस अगर कोई भीड़ बढ़ती है, लोग आते हैं, तो हमारे दूसरा स्कूल भी हमारे साथ है, ओपन है, उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं, और एक्स्ट्रा बेडिंग भी हमारे पास नीचे रखी हुई है। और ड्यूसिप का पूरा सहयोग है इसमें, दिल्ली सरकार का, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का, क्योंकि जैसे हम मांगेंगे तो 1 घंटे में हमें सब चीज़ें हैं मिल जाएंगी।